बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। जी बेटा, बच्चे मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर, जो नाइन्थ क्लास है, नाइन्थ क्लास का जो इस दफ़ा 2023 में जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तर्जमातुल कुरान मजीद, तो सर प्लीज़ इसकी जो पेरिंग स्कीम है वो सर प्लीज़ आप हमारे साथ अपलोडेड कर दें। तो बेटा, मैं आज आपके साथ नाइन्थ क्लास की बेटा तर्जमातुल कुरान माजिद की बच्चे जो पेरिंग स्कीम है 2023 की, बेटे वो क्या क्या शेयर करने जा रहा हूँ। देखिएगा बेटा, आपको हर एक जगह पर बेटा यही क्या क्या ना पेरिंग स्कीम मिलेगी, लेकिन बेटा इससे पहले मैंने बेटा आपके साथ तमाम बुक्स की पेरिंग स्कीम और बेटा जो गेस्ट पेपर्स हैं वो क्या है अपलोडेड कर दिए हैं। लेकिन बेटा इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग माई उस्ताद जी चैनल्स के ऊपर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो बेटा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी लाइक कर लेना है, वीडियो को भी आगे मेरे बेटे शेयर कर लेना। जी बेटा, आइए देख लेते हैं, यानी कि बेटा ये जो तर्जमातुल कुरान मजीद है बेटा, इसके जो मार्क्स हैं बेटे वो 50 होंगे, ठीक है। और बेटा सबसे पहला जो आता है पोर्शन बेटे वो इस मरूजी का है, जिसमें बेटा आपको 10 आएंगे और बेटा इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी, हर जो बेटा एमसीक्यूज होगा वो 1 मार्क्स का होगा, और बेटा इसी तरह आपके 10 मार्क्स बेटा ये वाले पूरे हो जाएंगे, राइट हो गया। नजाशी के दरबार में तिलावत की गई सूरत यासीन की, सूरत रहमान की, सूरत मरियम की, सूरत अलहज की। लेकिन बेटा अब देखना ये है, इसमें बेटा जो भी आपको लगता है कि ये वाला बच्चे करेक्ट ऑप्शन है, तो बेटा वो जो आपको आंसर बेटा शीट दी जाएगी उसके बेटा ऊपर बबल बने हुए होंगे, तो ना बेटा आपने ना वो वाला क्या क्या ना जो बच्चे बबल है उसको बेटे आपने फिल कर लेना, ठीक है बेटा। ये सारी बेटा आ रहे हैं, इसी तरह के बेटा आपको एमसीक्यूज आ जाएंगे बेटा, ये 10 हैं और बेटा ये 10 के 10 अटेम्प्ट करने होंगे, इसे मेरे बेटे कोई भी चॉइस नहीं होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब हमारे पास हिस्सा दो आ गया, यानी कि बेटा शार्ट क्वेश्चंस आ गए हैं बच्चे, आपको 8 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे, 8 में से बेटा आपने कोई से भी 5 को अटेम्प्ट कर लेना होगा। हर जो बेटा शार्ट क्वेश्चंस होगा ये 2 मार्क्स का होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 5 बेटा इक्वल 10, राइट है बेटा, ये आप देख रहे हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर आपको बेटा समझ आए। यानी कि बेटा आपको 8 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे, 8 में से मेरे बेटे आपने कोई से बेटा 5 करने होंगे। नेक्स्ट बेटा, आपको आपको आते हैं कि कहना बेटा इनके इन बेटा आपने इनके बच्चे अल्फाज मानी लिखने हैं, ये भी बेटा आपको 8 आएंगे, 8 में से बेटा आपने कोई से 5 लिखने होंगे। हर जो बेटा अल्फाज है बच्चे वो 1 मार्क्स होगा बेटा, आपको 5 मार्क्स के ये आएंगे। नेक्स्ट बेटा, हमारे पास आयत आ रही हैं और बेटा इनका आपने तर्जमा करना है बेटा, ये आपको 5 आएंगी, 5 में से बेटा आपने कोई से भी जो 3 है बेटे बेटे उनका आपने तर्जमा करना होगा, हर जो है बेटे वो 5 मार्क्स की है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब हमारे पास बेटे आ रहे हैं कि बच्चे किसी एक मौजू पर बेटे आपने नोट लिखना है, और बेटा ये 10 मार्क्स का होगा, इसका बेटा तारफ भी, खुलासा भी, मरकजी ख्याल भी, ठीक है बेटा। जैसे कि ना सूरत अल हज है और बेटा सूरत अल फरकान है, इनमें से बेटा 2 हैं और बेटा आपने 2 में से किसी एक को लिखना है, 10 मार्क्स का बेटा ये होगा। नेक्स्ट बेटा, आप देख रहे हैं ठीक है कि बेटा ये सारा कुछ आपके ना पास बेटे ये शेड्यूल दिया गया है, इसको को बेटे आपने गौर से देख लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ना बेटा अब आपको इसके बेटा हवाले से कोई भी इशू नहीं होगा बेटा, दुराने वीडियो आपको बेटे कहीं पर भी समझ ना ही हो तो बेटा आप लोग व्हाट्सअप के जरिए या बेटा आप लोग बाजिया कमेंट्स बेटा मेरे साथ रब्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अल्लाह हाफिज़।